अभी अजगर कहता है कि उस लड़के को मेरे हवाले कर दो, तुम सबके लिए आज का दिन अच्छा होगा और एक नई जिंदगी मिल जाएगी। तभी उस लड़के की भेड़िया माँ कहती है कि वो मेरा बेटा है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से दुम दबाकर चले जाओ। और अजगर इनको धमकी देता है, कहता है कि उस लड़के को मैं मार डालूंगा, और यहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद यहाँ पर बरसात होती है जो कई दिनों तक हुई थी, और यहाँ पर सभी भेड़िए सरदार से कहते हैं कि हमें उस लड़के को उसकी दुनिया में छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो लड़का अजगर क्या तो मारा जाएगा। तभी वहाँ वही लड़का आता है, कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सभी भेड़िए उसकी तरफ देखते हैं और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम सब मुसीबत में पड़ो। लेकिन वो भेड़िया माँ कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, और बाकी के भेड़िए उस लड़के को यहाँ से भगाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर काला पैंथर आता है, कहता है कि यही ठीक रहेगा, ये लड़का यहाँ से चला जाए। अब लड़का अपनी माँ से आखिरी बार अलविदा लेता है और यहाँ से जाने लगता है। ये भेड़िए उस टाइगर अजगर का सामना भी नहीं कर सकते थे। अब ये पैंथर इस लड़के को शहर की तरफ लेकर जाता है, लेकिन तभी पैंथर को कुछ महसूस होता है, यहाँ पर वो टाइगर अजगर आ चुका था। पैंथर लड़के को घाटी की तरफ भागने को कहता है, लेकिन तभी वो टाइगर लड़के पर अटैक करता है।